बताइए, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए तो पहले से लगा हुआ है डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसका किसका है सी माइनस बी, आपका भी सी माइनस बी आया है। कैसे, इस लाइन के लॉन्ग चलेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे पॉजिटिव में, नहीं वन, उसके साथ ये चार से डिटरमिनेंट बनेगा जिसकी वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा सी माइनस बी प्लस अगला पे चलेंगे तो अगला तो एलिमेंट जीरो है, कोफैक्टर कुछ भी रहे जीरो, प्लस अगला एलिमेंट जीरो और कोफैक्टर कुछ भी रहे तो जीरो ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या वैल्यू आई, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है सी माइनस बी, ये अब आपका हो गया आंसर। अब एक मिनट अभी रुक जाइए, ये दोनों तो पहले से था, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है सी माइनस बी, क्या जो सी माइनस बी आई है ये नहीं कह सकते हैं कि इन तीनों के मल्टीप्लाई भी सी माइनस बी ही हो रहा है और वही वाली वैल्यू यहां पे आ गई है तीनों का मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करने से भी तो सी माइनस बी ही आएगा, वही वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। तो सुनिए, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट का डायगोनल, और डायगोनल के एक तरफ के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो, डायगोनल के एक तरफ के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, अगर एक तरफ यानी कि सारे ऊपर वाले जीरो हो या सारे निचले भी जीरो होते तब उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। तो यहां लिख लीजिए एरो मार्क करके और नीचे ये बात नोट में लिख लीजिए, ये लिखने के बाद यहां पर नोट में लिख लीजिए कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ डायगोनल, वन साइड ऑफ डायगोनल आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।